गिरिडीह के हर वार्ड में यूनिसेफ स्कूल तथा चेतना विकास संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को कोविड से बचाव हेतु जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड नंबर 17 मकतपुर में संस्था की प्रतिनिधि पुष्पा शक्ति पहुंची और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इनके पहल पर वार्ड पार्षद आरती गुप्ता, समाज सेवी हबलू गुप्ता ने भी इनके साथ वार्ड संख्या 17 का भ्रमण किया और लोगों को कोविड 19 से कैसे बचा जाए, टीका का लाभ और कोविड से बचाव हेतु बिहेवियर के विषय में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर इन्होंने जनता से अपील की कि सभी लोग टीका अवश्य लगाएं, क्योंकि यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सरकार द्वारा मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आने वाले समय में हो सकता है यह टीका आपको खरीद कर लेना पड़े, उससे बेहतर है कि आप सभी समय पर निःशुल्क टीका का लाभ लें और अपना और अपने परिवार के लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। जिनका 45 साल हो गया वो आज भी लगा लीजिए। 45 साल जिनका उम्र हो गया या 45 से ऊपर 50 हो गया, 55 हो गया, उनको मिल रहा है तो वो अभी जाकर के ले सकते हैं। ले लीजिए टीका, टीका से हमारे साथ ऐसा नहीं है कि फिर मास्क नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है, फिर मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस सभी पालन करते रहना है। और ऐसा आप लोग सोचते हैं कि टीका लगवाने से कोई दिक्कत होगा क्या, तो आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा आपको लगता है जो टीका लगवाना सही है कि गलत है? सही है ना, चलिए तो लगवाना चाहते हैं ना। ये जो है हाथ में साबुन लेना है, ठीक है, पहला स्टेप। फिर दूसरा बाबू मास्क लगा लो तुम लोग भी। इस तरह ताकि ये जो कोरोना का वायरस है अगर कहीं कोई समाज से आया है नाखून में लिए नाखून तो इस तरह से साफ करना है। इसके नाखून को ये 6 स्टेप में, ठीक है, इसके बाद इसको हाथ धो लेना थोड़ा पानी से, फिर धोना है। मैं पूछता सकती यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से आई हूँ यहाँ पे बताने के लिए कि कोविड से कैसे बचाव होगा, कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार हाथ धोना है, वैक्सीनेशन से घबराना नहीं है। इसके लिए प्रेरणा स्रोत हमारे बीच हैं यहाँ की वार्ड पार्षद 17 नंबर की आदरणीय आरती गुप्ता जी, वो भी प्रेरणा देने के लिए लोगों को आगे ला रही हैं, बता रही हैं इसके बारे में। और हमारे बीच समाज सेवी आदरणीय हबलू गुप्ता जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना काल में अपने आप को बचाएं और कैसे इस महामारी को फैलने से रोकेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे हम अपने वार्ड में घूम घूम कर पुष्पा शक्ति जी के साथ मिलकर ये बता रहे हैं कि कैसे सभी को हाथ धोना है, कैसे बार बार सैनिटाइज करना है और टीका जरूर लगवाना है, 2 गज का दूरी रखना है। यही सब हम लोग घूम घूम कर जागरूक करके और बता रहे हैं। आज कोविड 19 के चलते हमारे वार्ड में पुष्पा शक्ति जी आए हैं, वो घर घर सबको जागरूक कर रहे हैं जाके कि कैसे सुई लगाना है, 18 साल से ऊपर को अभी जो सुई चलेगा उसमें लगाना है, 45 साल के लिए सुई लगाना है, यही घूम घूम के घर में सबको बताना है, हाथ बढ़िया से सफा करना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है, मास्क लगाना है, यही सब अभी हमारे पुष्पा शक्ति जी सबको सिखाएंगे।